नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। नागौर के डीडवाना में देश विरोधी नारों का वीडियो वायरल, आक्रोशित लोगों ने निकाली रैली, प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन, बाजार बंद करने के प्रयास पर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। गंगानगर के बीरमाना गांव में पति ने बेरहमी से पत्नी की हत्या, कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी पति ने भी कुएं में लगाई छलांग। MBS अस्पताल में ठेका कर्मियों को हटाने के बाद विरोध प्रदर्शन, अस्पताल में हुई अव्यवस्थाएं, विधायक पर लगाए आरोप। सीकर के पृथ्वीपुरा के पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात, बदमाशों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर लूटी नकदी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उदयपुर में चेन स्नैचर्स का आतंक, मंदिर जा रही वृद्धा की गले से तोड़ी चेन, पुलिस ने कराई नाकाबंदी, स्नेचर का नहीं लगा सुराग। नागौर के डीडवाना में देश विरोधी नारे लगाने का वीडियो वायरल हो गया है, इसके बाद देश हित में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों में भारी रोष देखा गया है, रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया, सैकड़ों की संख्या में लोग कोर्ट गेट पर जमा हो गए, इसके बाद सामूहिक रूप से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस बीच डीडवाना बाजार बंद करवाने की भी कोशिश की गई, लेकिन भारी पुलिस जाप्ता तैनात था, जिसने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर कर दिया। लोगों का कहना है कि घटना के बाद भी पुलिस की कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है और देश के खिलाफ नारे लगाने वालों के खिलाफ मामला तक दर्ज नहीं किया गया है। ज्ञापन के जरिए कार्रवाई की मांग की गई है। लोगों ने प्रशासन और विधायक तथा सरकार के मंत्री यूनुस खान के खिलाफ भी नारेबाजी की है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 13 जून तक का समय दिया है, ऐसे में 13 जून तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 14 जून को प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में ठेकेदार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के बाद अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने काम का बहिष्कार कर हड़ताल कर दी। इस दौरान सभी कर्मचारी MBS परिसर में इकट्ठा हो गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ठेका श्रमिकों का कहना है कि पर्ची काउंटर, दवा काउंटर सहित कई जगहों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी मेहनत से परिवार का पालन पोषण हो रहा है।
ऐसे में सभी कर्मचारियों ने सोची समझी साजिश के तहत अचानक से हटाया गया। जब इस बारे में एमबीएस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। ठेका कर्मचारियों ने कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल पर भी आरोप लगाया है। जब आज मजदूर काम कर रहा है उसको पेमेंट नहीं मिलती, दो दो तीन तीन महीने हो जाते हैं फिर उसको पेमेंट, अरे जब काम शांति से चल रहा था तो इसको कॉन्ट्रैक्ट देने की क्या जरूरत थी? इतने दिन से मजदूरी कर रहे हैं हम, पेट मैं तो ये चाहता हूँ कि ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए और हमें अपनी मजदूरी, अरे बेलदार के बराबर भी मजदूरी नहीं मिलती हमें। राजस्थान उद्योग सेवा परिषद की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने सभी कार्यकारिणी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष एसएस शाह, महासचिव बीएन शर्मा समिति कार्यकारिणियों के सदस्यों ने शपथ ली। उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने राजस्थान उद्योग सेवा परिषद का लोगो भी लॉन्च किया। समारोह में उद्योग आयुक्त कुंजीलाल मीणा, विशिष्ट शासन सचिव सूची शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। उदयपुर में चेन स्नेचर्स का आतंक कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी एक बार फिर मंदिर जाति वृद्धा महिला को चेन चोरों ने अपना शिकार बना लिया। शहर के सेक्टर 11 इलाके में घर से मंदिर जा रही एक वृद्धा को अपना शिकार बनाते हुए बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारते हुए चेन छीन ली। बदमाशों के झपट्टा मारने से वृद्धा को गले में कुछ चोटें भी आई हैं। जानकारी के अनुसार वृद्धा शांतिबाई जैन रोजाना की तरह अपने घर से आदिनाथ मंदिर जा रही थी, तभी आलोक स्कूल के पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर 2 तोला वजनी सोने की चेन लूट ली। सूचना पर डिप्टी ओम कुमार और गोवर्धन लाल थाना पुलिस का जाप्ता मौके पर पहुंचा और शहर के आसपास नाकाबंदी करवाई। पुलिस ने वृद्धा से मामले की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। क्षेत्रवासियों के अनुसार इससे पहले भी इस इलाके में 4 बार चेन स्नेचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। अनिशाट आ रही थी, आ रही मेरे बारे सीधी सीधी आ रही थी, धीरे 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 चलते तो फिर मेरे पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला था, पीछे से उतर के मेरी चेन काटी। वो आगे बैठ वो तो मेरे को जा, फिर वो चेन लेके बैठने लगा तब तो मेरे को देखा ये मोटरसाइकिल, फिर मैंने आवाज़ लगे मेरी चेन काटी ले रहे। तो ये भाई साहब हमारे मंदिर वाले थे, पचेड़ी वाले थे, आलू गुस्कल से इधर आने के, आप क्या कह रहे थे मेरे को पता नहीं पड़ा। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना इलाके के बीरमाना गांव में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी, जिसके बाद हत्यारे पति ने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसे कुछ ग्रामीणों ने कुएं में कूदते हुए देख लिया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। आरोपी पति के सर में गंभीर चोट आने से उसे सूरतगढ़ रेफर किया गया। उधर पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपी के घर से महिला के शव को कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार मामले में प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों की बात सामने आ रही है, जिसके चलते पति ने वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को सूचित कर मामले की जानकारी दी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले में 25 साल के नवविवाहिता के संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के पटपरा मोहल्ले की रहने वाली नवविवाहिता प्रीति पत्नी मनोज की शादी 3 साल पहले हुई थी। अज्ञात कारणों के चलते प्रीति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर उसकी फोटोग्राफी कराई गई, प्रथम दृष्टया मामला हैंगिंग का नजर आया, परिजनों को सूचित कर दिया गया, गियर वाले पहुंचने पर जैसी कार्रवाई की।
सीकर के श्रीमाधोपुर के समीप पृथ्वीपुरा गांव में स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात सेल्समैन के साथ मारपीट कर नकदी लूटने का मामला सामने आया है। लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया। गांव वालों की मदद से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार पंप पर हमलावर रात्रि 4 बजे हमलावर बोलेरो में सवार होकर आए और पंप कर्मी के साथ मारपीट कर नकदी लेकर फरार हो गए, लेकिन हल्ला होने पर गांव वालों की मदद से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया, अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली और अन्य साथियों की तलाश शुरू की। दो सेल्समैन काम कर रहे थे। रात को 12:30 बजे एक गाड़ी वाले में चार आए। एक सेल्समैन ने मेरे को 12:30 बजे फ़ोन किया। उनको आके वो कूटे फूट तो तोड़ फाड़ करी, उनका मोबाइल मोबाइल सब फेंक दिया, उनके मारा कूटी करी, फिर भाग गए। फिर मेरे आने के बाद एक को पकड़ा, पब्लिक भेड़ी हो रही थी, वो एक को पकड़ा, तो एक को पकड़ के फिर पुलिस को फोन किया, तो पुलिस को एक को बुला के पुलिस को सौंप दी और गाड़ी भी पुलिस ले गई। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है, जिसमें अब मेडकोडर्स डिजिटल के जरिए मरीज के स्वास्थ्य से संबंधित पूरा डेटा सुरक्षित रहेगा। इस डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने किया। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत कई मरीजों का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकेगा, ताकि दूर दराज से आने वाली मरीजों की अगर अस्पताल की पर्ची की गुम हो जाती है तो भी इस योजना के तहत मरीज को पहले किस तरह की दवाई दी गई थी उसके बारे में भी पूरी जानकारी मिल पाएगी। इस डिजिटल योजना को पूरे विश्व में टॉप 10 की योजनाओं में शामिल किया गया है। इसके पहले इस योजना की शुरुआत देश में पहली बार कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई थी। इस दौरान कोटा उत्तर विधायक संदीप शर्मा सहित स्थानीय पार्षद और चिकित्सा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे थे। मेडिकल का डिजिटल रिपोर्ट रखा जाएगा और ये डिजिटल रिपोर्ट कहीं भी देश और दुनिया के अंदर उस मेडिकल के डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से वो पेशेंटों को अपने जितने भी अभी तक उन्होंने जहाँ जहाँ भी डॉक्टरों से परामर्श किया है, जहाँ जहाँ भी उनकी मेडिकल रिपोर्ट है, जाँच रिपोर्ट है, वो डिजिटल रिकॉर्ड होने के बाद वो देश और दुनिया के अंदर कहीं भी बेहतरीन डॉक्टरों से सलाह मशवरा कर सकता है। जालौर के सायला में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत श्रमदान किया गया। इस मौके पर विधान के पानी का उपयोग सोच समझकर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव का पानी गांव में ही रहे, ताकि अपना क्षेत्र हरा भरा रह पाए और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। जल स्वावलंबन अभियान की महत्ता एवं उद्देश्यों की जानकारी देते हुए इसके क्रियान्वयन व जल संरक्षण हेतु प्रत्येक नागरिक के दायित्वों से अवगत कराया। विकास अधिकारी छोगाराम विश्नाई के ने मौजूद महिलाओं को वार्षिक 12 रुपए की प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कराने तथा नरेगा के तहत 90 दिन पूर्ण कर श्रमिक कार्ड के फायदों की जानकारी दी। उदयपुर के सलूम्बर में संत तुलसिया माता की धर्मनगरी सेरिया गांव में हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में 7 दिवसीय भागवत कथा से पूर्व 1101 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। कथा के पहले दिन कथावाचक प्रसिद्ध तेजस्वी साध्वी सरस्वती ने भजन कीर्तनों से धर्म प्रेमियों के ने भाग लिया। कथावाचक साध्वी ने बताया कि लोग प्रेम शब्द की परिभाषा को भूल रहे हैं। कथा करने की मनोकामना होती है, कुछ पाने के लिए हम सभी भिखारी हैं, देने वाला तो एकमात्र भगवान है जो भक्त के भाव पर ही देता है। विश्व में गौवध बंद होना चाहिए, इसके साथ ही मन से महारस की कथा, श्री कृष्ण का मथुरा गमन, मथुरा में धोबी का उद्धार, कंस के पहलवानों का संहार, कंस के वधों का प्रसंग सुनाते हुए विस्तार से वर्णन किया।
भरतपुर के नदपई पंचायत समिति सभागार में प्रधान डिंपल फौजदार की अध्यक्षता में साक्षरता प्रेरकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी बेसिक परीक्षा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रधान ने साक्षरता प्रेरक को ईमानदारी से कार्य करने एवं मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शिक्षित कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का संदेश दिया। चिरक लोक शिक्षा केंद्र पर नियमित कक्षा संचालन के निर्देश दिए गए। इस दौरान उप प्रधान गोविंद चौधरी भी मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर की मानटाउन थाना पुलिस ने एटीएम बदलकर पैसे निकालने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए टोंक के चोरू अलीगढ़ निवासी ब्रजमोहन जाट को गिरफ्तार किया। मानटाउन थानाधिकारी उदयभान के अनुसार आदर्श नगर निवासी राम कल्याण द्वारा अज्ञात युवक के खिलाफ एटीएम बदलकर 55,449 रुपए निकालने जाने का मामला दर्ज करवाया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर आरोपी को सिविल लाइन एटीएम के पास से धर दबोचा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने जुर्म करना कबूल किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से पीड़ित युवक के एटीएम सहित 2 एटीएम और जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई मामले खुलने की उम्मीद है। ये थाना क्षेत्र में करीब महीने डेढ़ महीने से एटीएम बदलकर तो पैसे निकालने की कुछ घटनाएं हमारे सामने आ रही थी। उस संबंध में 3-4 दिन पहले हमारे पास ये मुकदमा दर्ज हुआ था, रामगढ़ में कराया था, और उसमें जानकारी करने पर हमने एक स्पेशल टीम निर्धारित कर एटीएम बैंक के आसपास हमने सिविल सादा वस्त्रम लगाई और जो उसके हुलिया बताई अनुसार लड़के को हमने तलाश किया और जो टाइमिंग होता था व्यापार का जमा कराना पैसा निकालना लोगों के उस टाइम पर उसके बताई हुई अनुसार हमने जो CCTV कैमरे फुटेज में आए थे उसके बताई हुई अनुसार लड़के को हमने पकड़ाया। सीकर के श्रीमाधोपुर में जनरल ऑफ गृह मंत्रालय भारत सरकार की टीम ने कस्बे के सभी सरकारी कार्यालयों संस्थानों का निरीक्षण किया। टीम ने कस्बे के सरकारी अस्पताल, ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, नगरपालिका सहित कई सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण किया। केंद्र से आई टीम ने पहचान पोर्टल के माध्यम से जन्म मृत्यु पंजीयन से संबंधित निरीक्षण भी किया, जिसमें सभी औपचारिकताएं सही पाई गई। जयपुर के कंचनपुर से रहलगांव को जाने वाले सड़क मार्ग पर किए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई को बाड़ी उपखंड प्रशासन ने अंजाम दिया। अचानक हुई कार्रवाई के दौरान अतिक्रमियों में हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात रहा। तहसीलदार रामकरण मीणा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य ने अतिक्रमण होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। तहसीलदार मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों द्वारा जहां आम रास्तों और सरकारी भूखंडों पर अतिक्रमण रखे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जाएगा। अलवर के शाहजहांपुर के गांव कठुवास में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष टीकाराम के नेतृत्व में पीएम मोदी और एमपी के सीएम शिवराज सिंह का पुतला फूंका गया। एमपी के मंदसौर में राहुल गांधी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार व पीएम किसान व दलित विरोधी है। आए दिन देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा भी की गई। अजमेर में बीती शाम को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था समानांतर और जनसंपर्क विभाग की ओर से एक शाम गजल के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के ख्यातनाम शायरों ने श्रोताओं का दिल जीत लिया। लंबे अरसे बाद हुए गैर व्यावसायिक अदबी मुशायरे में शायरों ने निहायत फकीराना अंदाज में अपनी शायरी पेश की, जिसे श्रोताओं ने दिल से सुना। कार्यक्रम संत कबीर की स्मृति में आयोजित किया गया था, जिसमें शायर विज्ञान व्रत ने उनकी लिखी और स्वर्गीय जगजीत सिंह द्वारा गाई गई गजल और सुनाओ कैसे हो तुमको सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। उनका शेर मुझको अपने पास बुलाकर तू भी अपने साथ रहकर को श्रोताओं ने बहुत पसंद किया। कानपुर से आए सुप्रसिद्ध शायर सत्यप्रकाश शर्मा ने गजलें सुनाकर तालियां बटोरी। हम जो थोड़ा सा डगमगाने लगे लोग समझे कि अब हम ठिकाने लगे।
उनके कुछ श्रेष्ठ श्रोताओं की जबान पर चढ़ गए। देश की सुविख्यात शायर अजमेर की सुरेंद्र चतुर्वेदी ने मुशायरे को ऊंचाइयां देते हुए अपने सूफियाना अंदाज में गजलें प्रस्तुत की। इस मौके पर एवन टीवी के प्रधान संपादक अनिल लोढ़ा सहित डॉक्टर रमेश अग्रवाल, गोपाल गर्ग, लता तायल, बख्शीश सिंह, श्याम माथुर, राकेश भटनागर, राजेंद्र मैसी आदि ने भी गजलें सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। है कौन सा शहर जहाँ रोते नहीं है लोग? कौन सा शहर जहाँ रोते नहीं है लोग अपने सपनों की लाशें रोते नहीं है? उसका कमाल है मेरे कमाल के पीछे, उसका ख्याल है मेरे ख्याल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।